हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज इन हिंदी। कांग्रेस मुख्यालय में CWC की अहम बैठक, राहुल गांधी की ताजपोशी पर फैसला संभव। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की ताजपोशी के लिए सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। बैठक में पार्टी के सांगठनिक चुनावों और राहुल के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर बैठक की शुरुआत सुबह 10:30 बजे से होगी। इस बात की संभावना है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी पार्टी अध्यक्ष के लिए चुनावों की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस महासचिव अंबिका सोनी ने कहा कि गुजरात में चुनावी प्रचार की सफलता का श्रेय और नोटबंदी और GST के मुद्दे पर विपक्ष की सफल अगुवाई का श्रेय कांग्रेस उपाध्यक्ष को जाता है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राहुल गांधी ने आगे बढ़कर अगुवाई की है और बहुत ही क्षमतावान नेता हैं। आजाद ने कहा कि ये कुछ ही दिनों की बात है जब पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। राहुल गांधी आगे बढ़कर पार्टी का नेतृत्व करेंगे। इस बीच लोकसभा में पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सोमवार को वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है, जहां शेड्यूल पर निर्णय होने की उम्मीद है, लेकिन हम सब पार्टी अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी के नेतृत्व के लिए तैयार हैं। रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पार्टी अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। उनके पार्टी अध्यक्ष बनने से संगठन को काफी मजबूती मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी की ताजपोशी 2 दिसंबर से पहले हो सकती है।